दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंदन। तो गाइस कल काफी ज्यादा मैचेस खेले जाने वाले हैं, ठीक। तो हमारा बिग बैश का भी खेला जाएगा मॉर्निंग में, जो सबसे पहले सुपर स्मैश का वेलिंगटन और यहाँ पर जो कैंटरबरी का मैच है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका। अगर नहीं देख लेना, ऊपर आई बटन मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो एलपीएल के दो मैच है उनकी वीडियो आपको मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। अभी फिलहाल यहाँ पर दो वीडियो, जो बिग बैश का मैच रहेगा ब्रिस्बेन हेट वर्सेस सिडनी थंडर, दोनों की बात करेंगे। ग्रैंडलिक टारगेट करते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पर हम ग्रैंडलिक का पूरा एनालिसिस करके आपको देते हैं, किस तरह से आपको ग्रैंडलिक में टीम उतारनी है, कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन, कौन से हमारे पिक बनेंगे मोस्ट हमारे जो ग्रैंडलिक में आपके पास होने चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन ऑन करना और वीडियो को लाइक करना, मतलब मत भूलना कहने का मतलब, ठीक है। दोनों टीम्स की बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है, कैसे हमारी ग्रैंडलिक के लिए स्ट्रेटजी रहने वाले वो आपको पता चलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह की ग्रैंडलिक की प्रेडिक्शन करके आपको देते हैं ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिले एंड तक कि आपको मतलब वीडियो से कि किस तरह की टीम्स आपको ग्रैंडलिक में उतारनी है, ठीक है। तो गाइस अगर आप अभी भी अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर ऐप पर कर रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि बैट बॉल 11 विजल 11 जैसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ काफी अच्छी ऐप है, दोनों का लिंक नीचे आपको डिस्कशन में रहेगा। साथ में रेफर कोड चंद123 जरूर करना क्योंकि इन एप्स पे एंट्री फीस अदर एप के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 मैंने यहां पर लिखी हुई है, साथ में ड्रीम 11 का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो भी लिखा हुआ है। काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है सिडनी थंडर की तरफ से, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पिच यहाँ पे ब्रिस्बेन यानी ब्रिस्बेन हिट के होम ग्राउंड पे मैच खेला जाने वाला है, काफी अच्छा मैच हो सकता है ब्रिस्बेन हिट के लिए, ठीक है। बट इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करने के लिए यहाँ पे सिडनी थंडर की तरफ से प्लेयर आने वाले हैं, बताएंगे उनके बारे में आगे धीरे धीरे, ठीक है। पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो पिच गई, ठीक है, यहाँ पे स्कोरिंग जो मतलब एक जो एवरेज स्कोर होता है ना T20 का, वो यहाँ पे 166 रन का एवरेज स्कोर निकल के आता है, ठीक है। यानी टोटली देखा जाए तो एक अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहाँ पे ब्रिस्बेन हिट ने काफी टाइम यार बहुत बार 160-70 से प्लस स्कोर किया हुआ है, ठीक है। वंस मतलब इवन देखो तो 200 तक का स्कोर भी आई थिंक यहाँ पे ब्रिस्बेन हिट ने करके दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, कोशिश करना टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के साथ जाने की और साथ में बॉलर्स आपको बताऊंगा कैसे कैसे पिक करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो रिसेंट में टीम दोनों कर रही है आपस में, इनका है जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भाई सॉरी गाइस दोनों ने 3-3 मैच खेले, एक एक मैच जीता है, दो दो अपना हार के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेड टू हेड टीम्स की बात करें, जब दोनों टीम्स आपस में खेलती है तो क्या होता है, कैसे कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आती है। टोटल 10 मैच खेले, सॉरी 10 मैच यहाँ पे जो ब्रिस्बेन हिट है वो यहाँ पे 10 मैच जीती है इनसे और ये मात्र केवल 4 मैच जीते हुए सिडनी थंडर वाले, ठीक है। बैट फर्स्ट में 4, बैट सिक्स में, बैट सेकंड में 6 मैच ब्रिस्बेन हिट और बैट फर्स्ट और सेकंड दोनों में 2-2 मैच यहाँ पे जीते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीम्स का, हमारा भाई सबसे पहले तो ये देख लो, ये हमारी टीम का कॉम्बिनेशन होता है ग्रैंडलिग के लिए, हमें इस तरह की टीम्स उतारनी होती है अपनी, यानी 3 टीम्स हमारी ब्रिस्बेन हिट के फेवर में जाएंगी, 3 टीम हमारी ब्रिस्बेन मतलब सिडनी थंडर के फेवर में जाएंगी और बाकी 3 टीम्स हमारी यहाँ पे मिक्स होंगी दोनों के प्लेयर्स को मिला के, ठीक है। और बाकी एक टीम हमारी भैया मनी वेस्ट जो हमेशा जाती है, ठीक है, कभी देखना ये मनी वेस्ट वाली आगे निकल जाएगी। चलिए बात करता हूं मैक्स ब्रायन, ठीक है, 3 मैच हो गए गाइस, ठीक है, 3 मैच में से एक भी मैच में ढंग की परफॉर्मेंस नहीं है और पता है इनका नाम, मतलब इनको क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि मतलब रन मशीन ऐसा कुछ कहा जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे 11% चॉइस है, काफी कल के लिए मेरे हिसाब से हो सकता है सुपर प्लेयर हो अगर यहाँ पे साकिब महमूद जो इनकी तरफ से चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है आपको, अगर ये नहीं खेलते तो ये हमारे काफी सुपर प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और खेलेगा भी तो भाई ये पिच ऐसी है ना, यहाँ पे काफी तेजी से रन बना देगा और ग्रैंडलिग का प्लेयर बन के चला जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी टीम में 9 की 9 यानी इवन 10 ही मान लो क्योंकि यहाँ पे जो मनी वेस्ट टीम होगी उसमें भी हो गए होगा, सारी टीम में मैक्स ब्रायन होगा ही होगा, जिनमें से हर ग्रुप की 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में हर ग्रुप की एक टीम में बंदा कैप्टन होगा, यानी 3 टीम में मैं इसको कैप्टन कल बनाने वाला हूं, ठीक है। लिन है 86% है, सिंपल सी बात है, इसको भाई 2-2 टीम में चला लेना, एक एक टीम में मत चलाना, यानी जो हमारी ग्रुप की 9 टीम है इन 9 टीमों में से एक एक टीम में आपको चला देना है और एक एक मतलब 2 टीम में चला देना, 2 टीम में नहीं चलाना, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं ब्रेंडन डकर, ठीक है, अब कल आपके लिए विकेट कीपर चॉइस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि विकेट कीपर में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। सबसे पहले बी डगेट 40% लोगों ने लिया हुआ है, सिंपल सी बात, जिसमें आप लिन को लोगे ना उसमें डगेट को मत लेना, जिसमें डगेट को लोगे उसमें लिन को मत लेना, क्योंकि भाई यहाँ पे
जब भी टीम खेलने के लिए आती है, ओपनिंग में दो लोग खेलने के लिए आते हैं, अगर वो दोनों अच्छा खासा स्कोर कर देते हैं तो वन डाउन हमेशा फ्लॉप जाता है। 90% मैचेस में वन डाउन जो आता है ना वो फ्लॉप ही जाता है। सेकंड डाउन आके रन करता है, फिर जो दूसरा बंदा आता है दो विकेट गिर जाएंगे, मतलब एक विकेट गिरेगी दूसरी ये आएगा दूसरी विकेट गिरेगी, तो जो बंदा आता है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो सिंपल सी बात, जिसमें आप लिन या फिर मैक्स ब्रायन दोनों में से किसी एक को रखोगे उसी टीम में आप बी डकेट को रखना, अदरवाइज बाकी मत रखना, ठीक है। सैम एजल्ट 79% चॉइस है बंदे की, और हर टीम में मैं इसको अपनी रिटेन करने वाला हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जा सकते हो या नहीं जाना वो आपकी मर्जी है। उसके बाद टॉम एबल भाई 3% चॉइस है, और मतलब यार इसको तो आप एक जो मनी बेस वाली टीम है इसमें तो चलाने चलाना, बट इनमें से जिसमें आप जिस टीम में आप यहाँ पर मतलब ब्रिस्बेन हिट को हराओगे उस टीम में टॉम एबल को कैरी कर लेना, वो भी केवल एक टीम में, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे मतलब ब्रिस्बेन हिट को हराओगे, क्योंकि यहां पर जब टॉप ऑर्डर जाएगा तभी भाई इसका काम आएगा और ये काम तभी करेगा, ठीक है, तो उस टीम में ट्राई जरूर करना। उसके बाद जेमी पीटरसन 6% लोगों ने लिया हुआ है, और इसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको अपनी टीम में रखना है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी क्योंकि इसको भी एक मनी बेस्ड टीम में रखना जरूर रख सकते, क्योंकि जिसमें मनी बेस्ड टीम लगाओगे उसमें टॉप ऑर्डर फ्लॉप करना पड़ेगा तभी ये बंदा काम करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्रेजली 79% चॉइस है भाई, हर टीम में रखना पड़ेगा क्योंकि बॉल से आपको अच्छे खासे पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो जिस टीम में आप सिडनी थंडर को वॉन कराओगे, जिस टीम में सिडनी थंडर को वॉन कराओ, तो उसमें से किसी एक या दो टीम में इसे मत रखना, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर रन पड़ गए मार पड़ गई तो फिर ये भी पिटने के दावेदारी पूरी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस टीम में मत रखना जिसमें आप सिडनी थंडर को वॉन कराओगे, उसमें एक या दो टीम में मत रखना, ठीक है। बर्लेट 77% चॉइस है, रखना पड़ेगा, प्लेयर अच्छा है, विकेट आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली विकेट निकाल के दे रहा है। मिचेल स्वेप्सन 10% लोगों की चॉइस है, और कल की मेरी टीम है सारी टीम में हो सकता है रिटेन प्लेयर रहे, काफी अच्छा मतलब पॉइंट्स आपको निकाल के दे सकता है भाई, बॉलिंग कराना, बॉलिंग वाला बंदा कभी भी दो तीन विकेट निकाल के लेके जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मजीबुर रहमान 38% चॉइस है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद लैम गुथरी 55% चॉइस है, सिंगल सिंगल टीम में यह बंदा मेरा चलेगा, तीनों ग्रुप की एक एक टीम में यह चलेगा बस, ठीक है, बाकी आप लैम गुथरी कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हो आपकी मर्जी है, बट मेरे यहां से सिंगल सिंगल टीम में चलेगा, बाकी मैं मिचेल स्वेप्सन और बर्लेट यहां से ये दो चलेंगे, ऑलराउंडर तो आपका ब्रेजली है, ठीक है। तो ये था टोटल गाइस एनालिसिस हमारा ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, अगर कुछ मिस हुआ तो बता देना, अगर यार मेरी थोड़ा स्पीड है बोलने की, ठीक है, तो कंट्रोल कर लेना थोड़ा सा यार, समझ लेना, समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखना, और गाइस अभी भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर बैट बॉल विजिलेंस नहीं जुड़े हो इससे भी जुड़ जाओ भाई, काफी अच्छी ऐप है, बार बार क्या कहना, ठीक है। एलेक्स हिल 71% लोगों की चॉइस है, बट मैं कल अपनी किसी भी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है, किसी भी, मैं खुद अपनी बता रहा हूं, मैं किसी भी टीम में रखूंगा, बट आप यहाँ पे अपने तीनों ग्रुप की एक एक टीम में, तीनों ग्रुप की एक एक टीम में चला लेना बंदे को, कोई भरोसा नहीं है, बैटिंग वाले पीछे रन आपको निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एलेक्स हिल को आउट करके सैम व्हाइटमैन को अपनी सारी टीम में चलाने वाला हूँ, इसीलिए मैं एलेक्स हिल को निकालू, ठीक है, क्योंकि 7% भाई बंदे की चॉइस भी 7% होगी, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा ना, कुछ खास अभी प्रोसेस दिख नहीं रही है, जितने दिखेगा उतनी ये सात के आगे 8 या 9 जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप रख सकते, आप हटा सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं इनको सैम व्हाइटमैन को और गिग को, इन दोनों को कैरी करूंगा अपनी सारी ग्रैंड लीग की टीम्स में, ठीक है। ये दोनों प्लेयर मेरे आपको, ये विकेट कीपर में से और ये बैटिंग में से, तो ये मेरी आपको मेरी सारी टीम में रिटेन मिलेंगे। उसके बाद भाई सैम बिलिंग है इनको, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था यहां पर आज विकेट कीपर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली इस मैच में, देखो एक तो आपका सैम बिलिंग, ठीक है, ये आपका विकेट कीपर में मिलेगा, दूसरा आपका गिग्स आपका विकेट कीपर में मिलेगा, तीसरा आपका बैनर डकट डकेट भी आपका यहाँ पे विकेट कीपर मिलने वाला, तो 3 विकेट कीपर की चॉइस है। अब इनको डिफाइन करना आपको कैसे कैसे, मतलब कब किसको लेना है, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो ना तो भाई आप खुद से कर लोगे यार, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिलिंग्स मेरा तभी रहेगा जब इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा मतलब इनिंग के ज्यादा चांस होते हैं, तो फर्स्ट इनिंग अगर बैटिंग करेगी तो इनको ट्राई करूंगा अपनी टीम में, अदरवाइज सेकेंड इनिंग में नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स रोज आप देख रहे हो, मतलब मोस्टली यार क्या नाम है, यहाँ पे बंदा यही मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है, इसलिए मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लास्ट मैच भी आई थिंक तगड़ी परफॉर्म यहाँ पर देखी है, ठीक है, इसको आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट मैं इसको अपनी केवल एक एक यानी सिंगल सिंगल टीम में चलाऊंगा, ठीक है, सिंगल के अलावा किसी टीम में नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगर बाई चांस ऊपर के रन मार दिए तो एलेक्स रोज तो वैसी बैटिंग या नहीं, ठीक है, 5वें नंबर पर आ रहा है, अगर नहीं मार दी तो फिर इसकी बैटिंग नहीं आने वाली, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको केवल सिंगल सिंगल टीम में चलाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। डेनियल सैम्स ये आपका मेरे हिसाब से मस्ट प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि भाई बैट प्लस बॉल आपको दोनों से पॉइंट दे सकता है, और इसका कोई भरोसा नहीं, खेलने के लिए ऊपर भी आ सकता थोड़ा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। बैन कटिंग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से बात करते हैं मैकेंड्रू 1, ठीक है, क्रिस ग्रीन 2, उसके बाद यहाँ पे टी संगा 3,
गुरिंदर संधु चार, ये चार प्लेयर ऐसे हैं। अब इन चारों में से झाग पता नहीं किस पे जाके गिरेगी, जहां तक मुझे लगता है गुरिंदर संधु पे झाग जाके गिरेगी। यहाँ पे साकिब महमूद कल के मैच में वापस आ सक, मतलब वापस क्या अभी गए नहीं थे, तो इस मैच में ये साकिब महमूद आ सकता है खेलने के लिए। अगर आ गया तो सारे टीम में रिटेन रखूंगा, सारे यानी 9 की 9 यानी 10 की 10, जैसे हमारी मनी बेस वाली टीम जो होगी उसमें भी 10 की 10 टीम में मेरा साकिब रहेगा ही रहेगा। उसके बाद साकिब के साथ में यहाँ पे क्या नाम आपका मैकेंड्री चलाऊंगा और यहाँ पे टी संगा को चलाऊंगा, ठीक है। क्रिस ग्रीन को मैं ट्राई नहीं करूंगा, आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था टोटल सिडनी थंडर की तरफ से, अगर कुछ मिस हुआ तो बता देना कमेंट करके। बाकी इसके बाद बात करेंगे ग्रैंडी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाले, कैसे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब दोनों टीम्स में आपस में खेलती है ना, तो इन दोनों टीम्स में दोनों तरफ से कम 7-7 8-8 विकेट, ये विकेट आपको 7-7 8-8 5-5 मतलब 6-6 ये विकेट आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो कहने का मतलब है इसमें बॉलर्स का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स रोल कम करते हैं, क्योंकि जब इनमें कुछ रनआउट भी होते हैं, ये जो प्लेयर आप देख रहे हो ना इनमें कुछ रनआउट भी होते हैं, तो ज्यादा बॉलर्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 बॉलर्स मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है, 3 या फिर 4 से ज्यादा मत जाना, 3 बहुत है, क्योंकि आपको विकेट कीपर सबसे ज्यादा मेन होगा कल के डेट में। विकेट कीपर आपको यहाँ पर कैसे अपनी टीम में मैनेज करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको देखना, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे प्लेयर यहाँ पर पिक करने अपनी टीम में, ठीक है। चलिए बात करते हैं ग्रैनी के लिए गेम प्लान, मैंने आपको पहले बताया इस तरह का हमारा गेम प्लान होता है और ऐसे आपको अपने टीम्स में प्लेयर चुनने होते हैं। अगर वीडियो पूरी देखी होगी आपने अब तक तो आपको ग्रैनी के लिए प्लेयर जो आपने चुनने हैं वो आपको पता चल चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन की। जैसे मैंने बताया तीनों ग्रुप की एक एक टीम में तो भैया अपना स्टार प्लेयर रहने वाला मैक्स ब्रायन, ठीक है, एक कैप्टन रहेगा रहेगा। उसके बाद सिंगल सिंगल टीम में आप चाहो किसी सिंगल टीम में क्रिस लिन को ट्राई कर सकते हो, मगर उस टीम में भाई मैक्स ब्रायन को मत रखना, ठीक है। और चांसेस कल मुझे मैक्स ब्रायन के काफी हाई लग रहे हैं चलने के लिए, बाकी देखते क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जिस टीम में मैंने आपको पहले बताया दोनों को मेरे हिसाब से किसी टीम में रखे एक साथ रखे फायदा नहीं होने वाला, एक को ना एक को ड्रॉप करोगे, जिसमें बैलन डकट करोगे, तो एक टीम में इसको भी कैप्टन अपनी टीम में ट्राई जरूर करना, ठीक है। उसके बाद सैम हेजल्ड को नहीं बोलूंगा कैप्टन इसके अपने ट्राई करने के लिए। बाकी यहां से बॉलर में देखा जाए बॉलर में आपका ब्रेजली, ये जो ऑलराउंडर सॉरी ब्रेजली आपका एक कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी रखता है, बाकी आप चाहो तो बना सकते हो, अगर ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतनी टीम कैरी करोगे ना भाई 9-10 टीम के साथ जाओगे ना, जितने मैं कैप्टन बता रहा हूं बड़े प्यार से इनको कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मिचेल सबसन वगैरह इनको नहीं बनाऊंगा, बनाने के लिए बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। एलेक्स हिल जिसमें आप सिंगल एक टीम में चलाओगे और स्पेशली जिस टीम आप थंडर को वॉन कराओगे उस टीम में बंदे को जरूर कैप्टन ट्राई करना, ठीक है। सैम वाइटमैन कम हर ग्रुप की, ये जैसे हमारे दो ग्रुप बने इन ग्रुप की एक एक टीम में कैप्टन मेरा ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैथ्यू गिग्स सेम सिचुएशन, ये भी हमारा कैप्टन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सैम बिलिंग वगैरह, एलेक्स रोज वगैरह, डेनियल सैम्स वगैरह, बैन कटिंग, मैकेंड्रू ग्रीन, संधू और यहाँ पर टी संगा कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी मेरे हिसाब से नहीं रखता है। बाकी और खासतौर इस मैच के लिए, इस पिच के लिए, क्योंकि भाई ये पिच थोड़ी अलग है, मैच अलग है, ठीक है। केवल यहाँ पे साकिब को आप जिस टीम में, जैसे कि थंडर को आप वॉन करवा रहे हो इस तरह इस ग्रुप की टीम में, इस ग्रुप की टीम में किसी एक टीम में कैप्टन बनाना चाहो तो बना सकते हो, साकिब यहाँ पर आपको पॉइंट्स निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो साकिब पर थोड़ा चांसेस हाई है अगर खेलते हैं तो, इनको आप एक एक टीम में, ज्यादा टीम में नहीं, ठीक है, बॉलर्स के साथ ज्यादा कैप्टनशिप की छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इसमें कोई ना कोई बैट्समैन है भाई ऊपर से बढ़िया यानी वही 70-80 प्लस की पारी खेल जाएगा, दोनों टीम में से एक एक तो खेल ही जाएंगे दोनों टीम से, चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो टोटल ये था हमारा गाइस, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो अब तक मैंने वीडियो में आपको क्या क्या बताया, कैप्टन वाइस कैप्टन की स्ट्रेटजी आपको बताई है, पिच रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको बता दी, गेम प्लान तो भाई आप समझ ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड लीग के प्लेयर भी आपने खुद निकालने होंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी, तो नहीं देखे तो दोबारा देखो, काफी टाइम है भी, काफी ज्यादा, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे दोनों टीम्स का एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं करी तो भाई लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहां पर हम ग्रैंड लीग का डिस्कस करते हैं जो आपको काफी हेल्प करता है एक टीम बनाने में अपनी ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। तो और टेलीग्राम उसके बाद जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर बैड बॉल विजल इन दोनों ऐप से नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ, काफी अच्छी ऐप है, खुद एक बार अपना एक्सपीरियंस लेके देखो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।